वायरस का कहर अब बॉलीवुड पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में जहां अमिताभ और अभिषेक कोरोना संक्रमित पाए गए, तो वहीं अब अनुपम खेर के घर तक भी कोरोना पहुंच गया है। अनुपम खेर की मां और भाई सहित कुछ और परिजन भी संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही हाल ही में रेखा का बंगला भी सील कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर फैंस इन सभी के लिए पोस्ट कर रहे हैं। 77 वर्षीय सदी के महानायक और महान अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये जानकारी कल रात अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर दी थी। अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन की हालत अभी स्थिर है। अमिताभ बच्चन पिछले दिनों अपने काम पर जा रहे थे। वो एक डबिंग सेशन के लिए काम पर घर से बाहर निकले थे। अमिताभ बच्चन का घर जिस इलाके में पड़ता है, वहाँ कोरोना के मामले मुंबई में चौथे नंबर पर हैं। ये मुंबई का काफी कोरोना संक्रमित इलाका है। नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन। आई एम वांटिंग टू टॉक टू ऑल द डॉक्टर्स, नर्सेस एंड द स्टाफ एट नानावती हॉस्पिटल फॉर देयर ट्रेमेंडस वर्क दैट यू आर डूइंग इन दीज वेरी ट्राइंग सर्कमस्टेंसेस। अभी हाल ही में मैंने ट्विटर पे एक सूरत, गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद है, क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो ना जाने इंसानियत कहां जाती। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये दिन थोड़े से निराशजनक है। दे आर ट्राइंग टाइम्स, everyone is being worked to their absolute limits. There is always fear, there is perhaps depression. नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी माँ, जिन्हें आप दुलारी के नाम से जानते हैं, उन्हें भूख नहीं लग रही थी, कुछ भी नहीं खा रही थी और सोती रहती थी। तो हमने डॉक्टर की सलाह पर उनका ब्लड टेस्ट करवाया, जिसमें सब कुछ ठीक निकला। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको सिटी स्कैन सेंटर ले जाइए और वहाँ पर इनका स्कैन करिए। तो हमने स्कैन करवाया, जिसमें उनका कोविड पॉजिटिव माइल्डली निकला। तो जाहिर सी बात थी कि मैं और मेरा भाई उनके साथ थे, तो फिर मैंने भी अपना और राजू ने भी, मेरे भाई ने भी अपना सिटी स्कैन करवाया, और जिसमें राजू माइल्डली पॉजिटिव निकले और मैं नेगेटिव था। फिर हमने उनकी फैमिली को भी बोला, मेरी भाभी रीमा, मेरी भतीजी रिंदा और मेरा जो भतीजा है प्रणित, उनका भी सिटी स्कैन करवाया, जिसमें मेरी भाभी और मेरी भतीजी पॉजिटिव निकले माइल्डली, और मेरा जो भतीजा है प्रणित वो नेगेटिव निकला। इसके बाद आई टुक माई मदर टू कोकिलाबेन हॉस्पिटल। दे वर वेरी ग्रेशियस एंड हेल्पफुल इनफ टू एडमिट माई मदर देयर, एंड माई ब्रदर एंड हिज फैमिली हैज क्वारंटीन देमसेल्व्स इन देयर होम। मैंने बीएमसी को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही कोरोना वायरस का कहर अब बॉलीवुड में बढ़ा और महानायक अमिताभ के संक्रमित होने से उनके समर्थकों में शोक की लहर दौड़ गई, उनके साथी और चाहने वाले सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।